thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. After 1.5 years, आज मैं सेम रास्ते से फिर से ब्लॉग शूट करते जा रहा हूँ. एक्चुअली इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जो अगर दोबारा से रिपीट होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है. वो बात अलग थी, उस टाइम मेरे को ब्लॉगिंग का मतलब नहीं पता था. सो एनीवे, आज हम लोग चल रहे हैं मुंबई के वर्सोवा रॉक बीच पे और वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसी ब्लॉग में. एंड हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर. मैं हूँ आपका अपना सुशांत पांडे और आप देख रहे हैं सुश ब्लॉग. आज जो सी का लेवल है काफ़ी ज़्यादा आगे तक आ गया, अभी मेरे पैरों को पानी छू के जा रहा है. वैसे नॉर्मली जो है ये काफ़ी, मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर तक रहता है, तो यहाँ पे पब्लिक आती है और वॉक करके अंदर तक घूमने जाती है. एक्चुअली ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स का खेल है, तो ये आती जाती रहती हैं, कभी नज़दीक आ जाती हैं तो कभी दूर चली जाती हैं. लास्ट टाइम इस बीच में मैं आया था 2017 में, इट्स अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद अभी आ रहा हूँ. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूम के. और कल रात सोने से पहले मैंने प्लान करा था कि सुबह यहाँ पे जल्दी उठ के आ जाएंगे, बिकॉज की मॉर्निंग की जो वाइब्स आती हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुड होती हैं और मॉर्निंग वॉक भी हो जाती मेरी. सुबह का अलार्म भी लगा रखा था मैंने, लेकिन नींद इतनी बुरी थी कि आधे आधे घंटे मैं स्किप करता गया और फिर फाइनली उठा 8 बजे. इन द ईयर 2015 एंड 16, जब मैं यहाँ पे नया नया आया था, तो इस बीच पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी. इनफैक्ट ये बीच मुंबई का सबसे गंदा बीच माना जाता था. एंड देन इन द ईयर 2017 कुछ ट्रस्ट ने यहाँ पे मिलके एक इनिशिएटिव चलाया इसकी सफाई का, और उसके बाद से ये बीच जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया. और यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आती है. मॉर्निंग में कम लोग रहते हैं, बट इन द इवनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है. अगर आप लोगों को इस बीच का इवनिंग का व्यू देखना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पे मैं वहाँ पे स्टोरी पोस्ट कर दूँगा, क्योंकि दोबारा से फिर ब्लॉग बना के डालने का कोई मतलब नहीं है. सो स्टे ट्यून्ड. हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो साफ़ सफाई और स्वच्छता अभियान को सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंदगी फैलाने में ट्रस्ट रखते हैं. सो उसका एक नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. यहाँ पे लुक एट हियर, यहाँ पे बॉटल पड़ी हुई हैं और ये चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, और ये एक जगह नहीं पूरे बीच पे फैला रखा है. सो व्हाई पीपल, व्हाई आर डूइंग दिस काइंड्स ऑफ शिट्स? हाँ, इज़ इट मेक यू हैप्पी? सो माई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल्स, जो भी इस बीच पे आते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं, प्लीज़ ना करें यार. ये अपने बीच को कितना गंदा बना रहा है, बदसूरत दिखने वाला बीच हो जाएगा ये एक टाइम पे. लोग यहाँ पे आते हैं, सफाई करते हैं बहुत सारे लोग, और आप में से कुछ ही लोग हैं जो आके इस तरह की हरकत कर जाते हैं और पूरा का पूरा बीच गंदा दिखता है. सो भी इस बीच को खूबसूरत बनाने के लिए मशीनों का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, और यहाँ से कचरा इकट्ठा करके ले जाया जाता है, बिकॉज़ की सी जो है बहुत सारा कचरा ला के एक साथ बाहर फेंक देता है कभी कभी. जो कचरे हम लोग डेली डालते रहते हैं वो इकट्ठा करके ला के हमें ही दे जाता है वापस. यहाँ पे आपको किनारे किनारे बहुत सारे स्टोन्स देखने को मिल जाएंगे बड़े बड़े, इसलिए इसका नाम वर्सोवा रॉक्स बीच है.
और ऐसा ही कुछ नज़ारा बैंड स्टैंड पे भी आपको मिल जाएगा, तो मैं किसी दिन वहाँ भी प्लान करूँगा, आप लोगों को ज़रूर लेके चलूँगा उधर भी। वैसे तो ये बीच बहुत ज़्यादा लंबा है और मैं पूरी प्लानिंग के साथ आया था कि चल के एंड तक, एंड टू एंड दिखाऊँगा आपको, लेकिन अभी जो सी का लेवल है कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया है, तो बीच बीच में ऐसे रास्ते आप क्रॉस नहीं कर सकते, इस वजह से आज जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ ही दिन पहले मुंबई में इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही थी कि लोग परेशान हो गए थे और यही मना रहे थे कि बारिश बंद हो जाए, और बारिश तो बंद हो गई, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है कि अब लोगों को गर्मी ने परेशान कर दिया है। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ है इधर। एनी वे, होप यू गाइज एंजॉयड दिस ब्लॉग, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस ब्लॉग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके करो यार, देख क्यों रहे हो। मैं मिलूंगा एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज, लव यू इंडिया।